नमस्कार दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट्स ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसके बारे में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 30 के अंदर जिक्र मिलेगा इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट आ सकती है अब वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या है वेजर का मतलब है सट्टा मतलब सट्टा लगाने के लिए किए गए एग्रीमेंट्स जिसके अंदर पैसे का एलिमेंट शामिल है मनी या फिर मनीज वर्थ का एलिमेंट शामिल है ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट्स कानून की नजर में वॉइड होते हैं वॉइड का मतलब क्या लीगली नॉट एनफोर्सिएबल अभी हम लोग देखते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते क्या है सेक्शन थर्टी बैरक का लैंग्वेज

सट्टा लगाने पर अगर दो आदमियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और कोई आदमी अगर सट्टा जीतता है लेकिन सामने वाला उसे पैसा देने से इनकार करता है तो ऐसे केसेस आप कोर्ट में नहीं ला सकते इसका एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब कॉन्ट्रीब्यूट और मिट एंटर्ड इन टू टूवर्ड्स एनी प्लेट प्राइज और सम अप मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज और अपवर्ड्स टू बी अवॉर्डेड टू अनर ऑफ एनी हॉर्स मतलब सट्टा लगाने के लिए किए गए एग्रीमेंट वर्ल्ड है इसका एक्सेप्शन है हॉर्स रेसिंग के अंदर किए जाने वाले बेटिंग पुराने जमाने में घोड़ों की रेस के ऊपर बैट लगाना यह अमीर लोगों का फेवरेट पास टाइम हुआ करता था जो कि अब भी है और उस जमाने के लोग जो थे वो अपना फेवरेट पास टाइम खोना नहीं चाहते थे इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 उन्होंने रखा एग्रीमेंट्स बाय वेजर आर वॉइड मतलब सट्टेबाजी के एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाएंगे लेकिन इसका एक्सेप्शन उन्होंने घोड़ों की रेस पर होने वाली सट्टेबाजी को उसका एक्सेप्शन रखा गया ताकि उनका फेवरेट पास टाइम बरकरार रहे अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है एग्जाम में आपको लिखना है वेजर का मतलब क्या है सिंपली स्पीकिंग अ वेजर मीन्स अ बेट बिटवीन एटलीस्ट टू पीपल दो लोगों के बीच में होने वाली सट्टेबाजी अ वेजर इज मेड अपऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ ऑफ अ कंटिंजेंट इवेंट माफ कीजिए कंटिजेंट इवेंट का मतलब क्या है ऐसा इवेंट जो कि अनसर्टन है जाहिर सी बात है सट्टेबाजी एक अनसर्टन इवेंट के ऊपर ही होगी सर्टन इवेंट के ऊपर नहीं अभी सर्टन इवेंट का मतलब क्या है दिन होगा दिन के बाद रात आएगी दिन में सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है ये सारे सर्टन इवेंट्स है इसके ऊपर आप बेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये होने ही वाले हैं लेकिन सट्टेबाजी किस पर की जाती है जिसका आउटकम अनसर्टन हो ऐसे इवेंट्स के ऊपर ंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट वेर इन अ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंट इवेंट जैसे कि क्रिकेट के मैचेस फुटबॉल के मैचेस स्पोर्ट्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि शेयर बाजार वायदा बाजार ये सारे अनसर्टन इवेंट्स हैं आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कौन सी चीज़ों में क्या है लेकिन शेयर बाजार वायदा बाजार और ऐसे जो स्पोर्ट्स जिनके अंदर स्किल का एलिमेंट शामिल है वो वेजरिंग एग, वेजरिंग एग्रीमेंट्स के एक्सेप्शन माने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से गेम है जिनके अंदर स्किल के एलिमेंट शामिल है वर्ड वर्ड का पजल मतलब जो क्रॉसवर्ड वर्ड कॉम्पिटिशन होता है ना वो इसका एक एक्सेप्शन माना जाता है क्योंकि इसमें स्किल और एफिशियंसी के एलिमेंट्स शामिल है वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था नो सूट कैन बी ब्रॉट इन रिकवरी ऑफ प्राइस और कंसिडरेशन रिसीवेबल अभी आपको एग्जाम में एक एक्सप्लेनेशन देना होगा वेजरिंग एग्रीमेंट कौन सा है उसका तो आप एक आसान सा एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपने कभी ना कभी खुद किया होगा इमेजिन करिए एक आई का मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स और आपने मिस्टर बी के साथ एक बैट करी कि मुंबई जीतेगी तो तुम मुझे सौ रुपया देना अगर चेन्नई जीती तो मैं तुम्हें सौ रुपया दूंगा तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया जो कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है अगर आप जीत गए और सामने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकते अभी इसके इसेंशियल कंडीशंस क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट के इसेंशियल कंडीशन कुछ इस प्रकार है सबसे पहले एटलीस्ट दो पार्टीज का होना जरूरी है इसके बाद में प्रॉमिस टू पे समीडरेशन मतलब पैसा या फिर मनीज वर्थ यह एलिमेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है अ कंटिजेंट और अनसर्टन इवेंट जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जो सर्टन इवेंट्स है उनके ऊपर सट्टेबाजी करके कोई फायदा नहीं होने वाला इसीलिए अनसर्टन इवेंट्स के ऊपर बेटिंग की जा सकती है अभी आप लोग जो देखते हो कि ड्रीम इलेवन पेटीएम रमी सर्कल ये जो सारी चीजें हैं या फिर बेट अवे ऐसे जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेटिंग के प्लेटफॉर्म है सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म है और चांस कभी अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पैसे देने से मना कर दे तो आप इनको कोर्ट में नहीं खींच सकते क्योंकि आप जो कर रहे हो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो सट्टेबाजी है और सट्टेबाजी कानूनन एनफोर्सिएबल नहीं माने जाती ऐसा करना गैर कानूनी है और मॉरली भी गलत है इसके बाद में तीसरा कंडीशन क्या है एक कंटिजेंट और अनसर्टेन इवेंट चौथा चांस क्या है इक्वल चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ईच पार्टी आपने शोले फिल्म में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो टॉस उछालता है वहां पर दोनों जगह पर हेड्स होता है तो यह गलत बात है वेजरिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर मतलब जब वेजरिंग एग्रीमेंट्स किए जाते हैं तो दोनों पार्टीज की जीतने की प्रोबेबिलिटी सम समान होनी चाहिए यानी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होनी चाहिए इसके बाद में वेजरिंग एग्रीमेंट का पांचवासेंशियल कंडीशन है कॉमन इंटेंशन टू बेट वेजरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर जितनी भी पार्टीज है उनका एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए सट्टेबाजी करना इसके बाद में नो इन्वॉल्वमेंट और कंट्रोल इन द कंटिजेंट इवेंट इमेजिन करिए आप क्रिकेट मैच के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं अनलेसन एंटिल यू आर दाऊद इब्राहिम आपका उस मैच के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है प्लेयर्स खेल रहे हैं बॉली बॉलर बॉलिंग कर रहा है बैट्समैन बैटिंग कर रहा है फील्डर्स वो बॉल को रोक रहे हैं और आप एक दर्शक बने हुए हैं इसीलिए आपका उस मैच के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसके आउटकम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है यू आर जस्ट अ स्पेक्टेटर इसीलिए ये वेजरिंग एग्रीमेंट का एक आसान एग्जाम्पल माना जाता है आई डू नॉट सपोर्ट वेजरिंग मैं सट्टेबाजी को प्रमोट नहीं करता दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ये आपके सिलेबस का पार्ट है इसके बाद में एक्सेप्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स ये आपको पूछा जाता है सबसे पहले तो गेम्स इन्वॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स चेस हो गया स्नेक्स एंड लैडर्स हो गया चेकर्स हो गए बैगमैन हो गया ये सारे जो गेम्स है इसके अंदर स्किल का उपयोग किया जाता है इसके अलावा हॉर्स रेसिंग वेयर प्राइज मनी इज मोर देन फाइव हंड्रेड सेक्शन थर्टी के बेयर के अंदर ये ऑफिशियल एक्सेप्शन दिया गया है इसके बाद में एक्सचेंज ऑफ शेयर्स शेयर मार्केट क्या है आंकड़ों का खेल है इसे सट्टा बाजार भी कहा जाता है तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इज एन एक्सेप्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट इमेजिन करिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे वो कंपनी ने आपको बेचने से इंकार कर दिया या फिर शेयर्स डिलीवर करने से इंकार कर दिया देन दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन देम इसके बाद में वायदा बाजार वायदा बाजार मतलब क्या है स्पेक्यूलेशन अबाउट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आपने मुंबई में देखा होगा अलग अलग कमोडिटीज का एक मार्केट होता है फॉर एग्जाम्पल दाना बाजार होता है कपड़ा बाजार होता है मसालों का मार्केट होता है क्रॉफर्ड मार्केट होता है यहां पर अलग अलग कमोडिटीज होती है और उसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी इसके ऊपर सट्टेबाजी की जाती है तो इसे कहा जाता है वायदा बाजार इसके बाद में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेक्यूलेशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर इमेजिन करिए आपने एक फायर इंश्योरेंस खरीदा तो आपका घर ना जले इसके ऊपर कंपनी का फायदा है और अगर आपका घर जल गया और कंडीशंस आपने सेटिस्फाई की है तो घर जलने पर आपको पैसे मिलेंगे इसीलिए आपका फायदा है इसके बाद में क्रॉसवर्ड कंपटीशन और अदर लिटरेरी कॉम्पिटिशन आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा क्रॉसवर्ड कंपटीशन होता है जीतने पर आपको मिक्सर मिलता है या फिर माइक्रोवेव ओवन मिलता है ऐसी छोटी छोटी चीजें इसके बाद में आपने सुडो देखा होगा इनमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है इसीलिए ये बाजारी नहीं होती इसके बाद में चिट फंड्स आपने अगर हेरा फेरी देखी होगी तो उसमें लक्ष्मी चिट फंड है ये एक स्कैम होगा बेशक लेकिन चिट फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है जो महिला बचत गट है वैसा कॉन्सेप्ट चिट फंड्स का माना जाता है तो ये थे वेजरिंग एग्रीमेंट्स के आई होप आपको वेजरिंग एग्रीमेंट्स का समझ में आया होगा सट्टाबाजारी के जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड है एक्सेप्शन यहां पर दिए गए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग का जो एग्जाम्पल है या फिर हॉर्स रेसिंग के ऊपर बेटिंग करना ये एग्जाम्पल ऑफिशियली बेयर एक्ट के अंदर दिया गया है कि दिस इज एन एक्सेप्शन तो यहां तक यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल